हेलो दोस्तों, टेक मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। आपको अब व्हाट्सएप में भी फेसबुक मैसेंजर की तरह जो है स्टिकर का फीचर मिल रहा है, तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है अपने व्हाट्सएप में स्टिकर का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें दोस्तों आप खुद के भी स्टिकर बनाकर कैसे भेज सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल में फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है व्हाट्सअप का जो एक स्टिकर फीचर जो है अभी सिर्फ बीटा वर्जन में आया, आपको पूरे व्हाट्सअप में जो है जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की ओर और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से खुद के स्टिकर बनाकर भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की ओर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने मोबाइल की ओर और अब मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सअप में स्टिकर भेज सकते हैं और आप खुद के स्टिकर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाला आइकन दिख रहा होगा व्हाट्स स्टिकर का, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ खुलेगा। यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ स्टिकर दिए गए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर ऐड टू व्हाट्सएप पर क्लिक कर दीजिए। अब इस ऐप के जितने भी सारे स्टिकर हैं वो आपके व्हाट्सएप में ऐड हो गया। अब आप अपने व्हाट्सएप ओपन कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप कीबोर्ड टाइप वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर इमोजी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टिकर वाले मोड पर जाने पर आपको यहाँ पर जो उस वाले ऐप के आइकन दिखेगा, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे ये सब स्टिकर पहले से ही आ जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से भी जो है बहुत सारे स्टिकर दिए गए हैं। आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है ये सब जो स्टिकर हैं ये व्हाट्सएप की तरफ से डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर जब प्लस वाले आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से भी जितने सारे स्टिकर है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों व्हाट्सएप के स्टिकर के बारे में कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से आप खुद की स्टिकर कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, जो अभी मैंने आपको ऐप बताया व्हाट्स स्टिकर, उसे आपको ओपन करना है। तो चलिए उसे ओपन करते हैं। आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको टेक्स्ट, ऐड फोटो और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक्स्ट लिखता हूँ। तो जैसे कि आपने देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने चैनल का ही नाम लिख रहा हूँ, टेक मीडिया। उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर लीजिए। यहाँ पर आप फॉन्ट चॉइस कर सकते हैं कि आप किस फॉन्ट में आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए ऐसे ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कलर भी दिया गया है और बैकग्राउंड कलर भी दिया गया है। आप अपने हिसाब से जिस तरह का स्टिकर बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बनाने के बाद उसे यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं स्टिकर। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर भी चॉइस करने को मिलेगा, आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी टेक्स्ट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर चाहे आप कोई सा भी फ़ोटो, आप अपना भी फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप यहाँ पर सिंपली सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका जो स्टिकर है यहाँ पर आ गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना होगा अपने व्हाट्सएप में। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाट्सएप की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्टिकर वाले ऑप्शन की ओर। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो उस वाले ऐप का आइकन मिलेगा वहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो स्टिकर बनाया हुआ है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी स्टिकर बना सकते हैं, चाहे वो से फेस्टिवल के तौर पर आप कुछ भी स्टिकर बना सकते हैं या फिर आप खुद का भी स्टिकर बनाकर यहाँ पर भेज सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई भी स्टिकर बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही आसानी से आप अपने स्टिकर बनाकर, कोई भी स्टिकर बनाकर किसी को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रोज़ नई नई वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।